कोडरमा थर्मल पावर प्लांट बांझेडीह में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां लिफ्ट का तार टूटने से एक प्रोजेक्ट मैनेजर और तीन मजदूरों की मौत हो गई। घटना जयनगर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा, एक चूक चार लोगों की जान पर भारी पड़ गई। लिफ्ट के तार का अगर मेंटेनेंस हुआ होता तो शायद ये हादसा न होता। थर्मल पावर प्लांट बांझेडीह में यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक प्रोजेक्ट मैनेजर और तीन मजदूर जो लिफ्ट से जा रहे थे, लिफ्ट का तार टूटने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। तो इस दर्दनाक हादसे के पीछे क्या वजह रही, क्या है ये पूरा मामला, हमारे संवाददाता आर्यन से जानते हैं। जी आर्यन। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का ये इलाका है और यहाँ पे जो 180 फीट का एक टावर था जिसका निर्माण कराया जा रहा था, जिसपे लगभग चार लोग गए थे 180 फीट के ऊपर पे ये जांच करने के लिए कि जो काम चल रहा है वो किस तरीके का है। तो अचानक से जिस लिफ्ट से ये चारों लोग गए थे, वो लिफ्ट का तार अचानक से टूट गया और ये लोग लगभग 180 फीट की हाइट से सीधा जमीन पर आ गिरे, जिसमें दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और दो लोगों को कोडरमा सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था। हालांकि इलाज के क्रम में उन दोनों की मौत हो गई है, तो कुल चार लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि दो लोग जो थे वो इंजीनियर थे और उनके साथ दो जो थे वो साइड इंचार्ज थे, तो चारों लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल KTPS के मुख्य द्वार को CISF के जवानों ने कमान संभाला है और पूरी तरीके से रोका गया है, प्रेस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो लापरवाही है वो यहाँ पे साफ देखी जा सकती है कि किस तरीके से KTPS में जो लापरवाही है वो देखी जाती है। लगातार यहाँ से जो घटनाएं हैं वो सामने आती है, चाहे वो मजदूर की मौत का मामला हो या फिर किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो आए दिन सुर्खियों में रहता है KTPS, और किन बातों को सामने आने नहीं देने की बात जो है वो सामने आ रही है। आखिर प्रेस को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, हालांकि जो CEO है जयनगर के और प्रभार में है चंदवारा के, वो अंदर गए हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उनके बाहर आने के बाद ही ये साफ होगा। हालांकि यहाँ पे अब तक KTPS का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है जो ये भी बताए कि जो लोग मारे गए हैं वो मजदूर हैं या फिर इंजीनियर हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये दो जो थे वो साइड इंचार्ज थे और दो इंजीनियर हैं, तो कुल चार लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो CISF के जो पुलिस के जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार बकझक भी देखी जा रही है प्रेस के और पुलिस के जवानों के बीच। तो अंदर पूरी तरीके से जो है वो रोक लगाई गई है और यहाँ पे जो CISF के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है और गेट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। सहयोगी रंजित के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। धन्यवाद आर्यन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लिफ्ट का तार टूट गया, जिसकी वजह से चार लोग हादसे का शिकार हो गए।